नमस्कार दोस्तों, गुरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया बक कन्वर्टर GLC 1239 के बारे में चर्चा करेंगे, जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हैं। इस बक कन्वर्टर में जो अलग अलग फंक्शंस हैं उसके बारे में बॉक्स के ऊपर ही जानकारी दी गई हुई है। सामान्यतः हमें बक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट हमारे LCD LED के मेन बोर्ड रिपेयरिंग के लिए लगती है। जैसे इस बोर्ड को इनपुट वोल्टेज 5 से 15 आप कोई भी एक दे सकते हो, तो उसका डिफ़ॉल्ट आउटपुट 1.25 वोल्टेज सेट किया हुआ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के वोल्टेज, जिसके लिए यहाँ पे जम्पर सेटिंग दिया हुआ है, जिसे शॉर्ट करते हुए आप अपने रिक्वायरमेंट वोल्टेजेस इस बक कन्वर्टर से आउटपुट में ले सकते हैं। और है कोर सप्लाई, जो एंड्रॉयड बोर्ड के लिए रिक्वायरमेंट है, DLP प्रोजेक्टर्स वगैरह जो हैं, जिनमें कोर सप्लाई जो बहुत कम वोल्टेज में होता है, उसके लिए भी एडिशनल पॉइंट्स इस बक कन्वर्टर में डिज़ाइन किए गए हैं। और आपको एक 12 वोल्ट का सप्लाई भी चाहिए, जो इस बक कन्वर्टर से आप एक ट्रिक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे 5, 3.3 और 2.5 वोल्ट को शॉर्ट करना है, इनपुट वोल्टेज 16 रखना है और इस लोकेशन पे 10K का एक रजिस्टर ऐड करना है, तो आपको 12 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। डायरेक्ट ऑन ऑफ या तो ऑन ऑफ कंट्रोल के साथ में अगर इस्तेमाल करना है, तो एक ऑन ऑफ कंट्रोल पॉइंट भी डिज़ाइन किया गया है। इसे शॉर्ट करने पर वो डायरेक्ट ऑन होगा। और आपको ऑन ऑफ कंट्रोल चाहिए, तो इस पॉइंट्स को शॉर्टिंग हटाते हुए माइक्रो की तरफ से आने वाला कोई भी ऑन ऑफ कंट्रोल आप यहाँ पे IC की तरफ जाते हुए टर्मिनल पे लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गुरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।